वेलकम बैक टुडे टॉपिक इज़ एलगी सो आज हम एल के बारे में पढ़ेंगे उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन सो फर्स्ट हैबिटेट जो होती है एक्टिक हैबिटेट में होती है सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और कुछ हम पढ़ेंगे अनयूजुअल हैबिटेट सो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं सो लेट स्टार्ट

सो so, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिक एल्गी एक्यूटिक एलगी आर ऑफ़ टू टाइप्स। फ्रेश वाटर एलगी एंड मैराइन एलगी फ्रेश वाटर एल्गी जो होती है वो पॉइंट्स में लेक्स में रिवर में जनरली पाई जाती है और जो मैराइन एलगी होती है वो सी वाटर में पाई जाती है एलगी के फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के बेस पे कुछ टाइप हैं First is benthophytes. Several freshwater marine algae are found in attached condition. The freshwater such as Chara, Nitella, Cladophora, Gongrosia, and Chemosmosiphon, etc., are found attached attached to some substrate in the bottom of the water. तो इसमें क्या होता है जो फ्रेश वाटर में नाइन एलगी होती है वो सबस्टेटम मतलब कि जो सी वाटर होता है या कोई भी लेक वगैरह होता है वो नीचे पाई जाती हैं अटैच होती है सबस्टेट सबस्टेटम से बॉटम में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ब्राउन एल्गी फैगोफाइसिया आर फाउंड इन अटैच कंडीशन टू समेटा इन द सी और जो ब्राउन एल्गी होती है वो सी में पाई जाती हैं नीचे अटैच होती हैं सबस्टेटा से ओके नेक्स्ट चीज़ टीफाइट सच सच एलगी ग्रो अलॉन्ग द शोर्स ऑफ लेक्स एंड पोन्ट्स मे बी डेलिमिनेटेड फ्राम द बैंतोफाइट्स विद डिफिकल्टी। इसमें क्या होता है जो कुछ एलगी होती हैं जो कि लेक्स में साइड में और पोन्ट्स में पाई जाती हैं इनको हम एफेक्टिफाइट्स कहते हैं और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर फॉर्म्स आज जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं वो उडिगोनियम कैटिफोरा सम स्पीशीज़ होती हैं स्पायरोग डाइडम्सिरी नेक्स्ट इज़ प्लैंकटोफाइट्स द एल्गी बिच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड प्लेंटोफाइट्स इसलिए क्या होते हैं जो सरफेस um, पे फ्लोट करती है ऊपर के सरफेस पे ही वाटर के फ्लोट करते हैं उनको हम प्लैंकटोफाइट्स कहते हैं ये दो टाइप के होते हैं यू फ्लेंक्टोफाइट्स और टाइप, टाइप, टाइको टोफलेंटोफाइट्स सो फर्स्ट इज़ यू फ्लेंक्टोफाइट दे आर नेवर अटैच एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आर फ्री फ्लोटिंग तो ये जो होते हैं कभी अटैच नहीं होते और ये शुरू में ही सरफेस पे वाटर के फ्लोट करते रहते हैं इसमें क्या होता है एग्जाम्पल क्या है इसके डाइटम्स हो गए क्लास्टेरियमोकिस्टिज वॉलवर्कस एक्सेट्रा नेक्स्ट इज टाइकोफ्लैंक्टोफाइट्स इन द बिगनिंग सच एल्गी अटैच बट लेटर ऑन द बिगम डी अटैच एंड फ्री फ्लोटिंग ये जो होते हैं एलगी जो होती है ये अटैच शुरू में तो होती है वो अटैच होती है पर ये जैसे जैसे मेचोर होती है बट लेटर एंड बिकम डिटे डिटैच हो जाती है अलग हो जाती है और फ्लोट करने लगती है एग्जाम्पल क्या है इसके सम स्पीशीज ऑफ राइजोक्लोनियम नोस्टोक माइक्रोस्पोरा नेक्स्ट आता है टेरिस एलगी एलगी आर कॉल्ड इडिफाइट्स इन्हें जो है इडोफोफाइट्स भी कहते हैं दे आर फाउंड अपन और इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये जो होती हैं सरफेस पे भी हो और अंदर भी सरफेस के पाई जाती हैं दे आर टू टाइप्स ये दो टाइप्स में पाई जाती हैं सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स तो सेफोफाइट्स में क्या होता है दे आर सरफेस हेल्गी ये जो होती हैं मिट्टी के ऊपर ही ऊपर ही होती हैं ऊपर ही लेयर पे होती हैं मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ माइक्सोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ द साइल जो माइक्सोफाइसी की स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादातर सॉइल की सरफेस में पाई जाती हैं मिसाइड मिसटोनियम पोट्रेडियम प्रोस्टिसफोन मुकेरिया एंड मैनी अदर मैंट वॉन द सरफेस ऑफ द वेट सॉइल और ये जो होती हैं सारी स्पीशीज़ ये वेट सॉइल में पाई जाती हैं नेक्स्ट इज क्रिप्टोफाइट्स सबस्टेनियम इनिटेड एंड अकर इन साइड सॉइल ये जो होती हैं सॉइल के अंदर पाई जाती हैं द स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक नॉस्टॉक हो गया एनबीना हो गया इगुलना हो गया हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स और ये जो होती है खाद होती है उसमें पाई जाती हैं ये ऑल्सो फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉयल टू इन द फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड और इनका क्या काम होता है ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं सॉइल की सॉइल uh, इरोजन करती हैं सॉइल इनरेचमेंट मतलब सॉइल की सॉइल को और अच्छा बनाती हैं फर्टिलिटी करती हैं फील्ड्स में नेक्स्ट इज़ एलगी ऑफ अनयूजल हैबिटेट कुछ टाइप हैं अनयूजल हैबिटेट के फर्स्ट इज़ लिथोफाइट्स मैनी एल्गी ग्रो ऑन द रॉक्स एंड वॉल्स कुछ एल्गी जो होती हैं वो रॉक्स में पत्थरों में पाई जाती हैं स्पीशीज़ ऑफ साइकटोमा तो ग्रो ऑन द वॉल्स इन रेनी सीजन एंड द होल वॉल बिकम ब्लैक स्पॉटेड जो कुछ स्पीशीज़ जो हैं साइकटोन तो ये ग्रो होती हैं वॉल्स पे रेनी सीजन में जो कि ब्लैक स्पॉटेड में होती हैं काले काले धब्बे पड़ते हैं पिक्चर में देखिए आप डाइग्राम में कि जो ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं रॉक्स पे ये रॉक्स पे भी हो जाती हैं Uh, वो केरियाँ जैसे कि नॉस्टॉक स्टॉक मैनी अदर एल् आर ऑल्सो फाउंड ऑन द बैट रॉक्स ही बहुत सारी हैं ऐसी जो कि पाई जाती हैं वेड रॉक्स पे नेक्स्ट इज़ हेलोफाइट्स द एल के अगर इन सेलाइन वाटर आर नोन एज हेलोफाइट्स जो कि सेलैन वाटर में जैसे कि नमक जहाँ पे सॉल्ट होता है और मैग्नीशियम या कैल्शियम प्रेजेंट होता है उस वाटर में ये पाई जाती हैं हेलोफाइट्स द मोस्ट मोस्ट ट्रिकिंग एग्जाम्पल्स आर डोनेलिया एंड क्लैमिडोमनास विच अगर इन सॉल्ट लेक्स जो कि सॉल्ट लेक्स में पाई जाती हैं स्पीशीज़ ऑफ स्कनेटिसमस एनोकेप्सा पेडीएस्ट्रम एंड ऑसिल आर फाउंड इन सेलाइन वाटर्स नेक्स्ट इज एरोफाइट सच एलगी आर एरियल इनबिटेड दे आर फाउंड अपॉन द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज वॉल्स फेंसिंग वायर्स रॉकस एंड एनिमल्स एंड सो मैनी अदर एरियल्स ऑफ स्टेटा ये कुछ एलगी जो होती हैं ये एरियल हेबिटेड की होती हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं ट्रंक्स में ट्रीज़ के वॉल्स पे फेंसिंग वायर्स पे जो वायर्स होती हैं उन पर हो जाती हैं पत्थरों पर हो जाती हैं और एनीमल्स के ऊपर हो जाती हैं इसमें फर्स्ट आता है फिलोफाइट्स सच एल के आर एपीफिटिक अपॉन लीव्स ऑफ ट्रीज़ और ये जो होती है पत्तियों पर हो जाती है पेड़ों की स्पीशीज़ ऑफ ट्रेंटिफोलिया आर कॉमनली फाउंड अपॉन द बार्क ऑफ ट्रीज़ और जो स्पीशीज़ होती है ये कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है बार्क ऑफ ट्रीज में दे ऑल्सो अकर अपॉन रॉक्स ये रॉक पत्थरों पे भी होती हैं फेंसिंग वायर्स पे भी होती हैं तारों पर भी होती हैं दे आर अबेंडेंटली फाउंड ऑन द फेंसिंग वायर्स ऑफ कैलकटा बोटेनिकल गार्डन ये जो होती हैं इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि फाइकोपेटलिस ऑन रबर की पत्तियाँ इन पर हो जाती हैं दूसरा एग्जाम्पल है, है फाइलोसफिन ऑन एरिसेमा ओके सो नेक्स्ट इज एपीफिलोफाइट्स दीज एलगी ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज़ ये जो एल्गी होती है बार्क ऑफ ट्रीज में ट्रीज़ के जो वो होती हैं डंडियाँ होती हैं उन पर हो जाती है मिक्स विद मैनी एंड लिवर वोट्स और मोसिस और कई सारे लिवर शोट्स जो होते हैं उनमें मिली भी होती हैं इनके एग्जाम्पल हैं फॉर मीडियम स्काइकोटोनिमा एप्लोसिफोन एंड स्कीोथ्रिक्स ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज मिक्स विद लीवर वर्ड्स सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज एपीफाइट्स मैन एल्गी आर फाउंड अपॉन द अदर लिविंग प्लांट्स एंड बिगर स्पीशीज़ ऑफ एल्गी कुछ जो एल्गी होती हैं वो कहाँ पर जाती है लिविंग प्लांट्स में या फिर बिगर स्पीशीज़ होती हैं एल्गी yeah, की uh, ने, इनकी कुछ एग्जाम्पल हैं वो केरिया हाइड्रोक्टिन स्पीशीज़ कुछ ग्रासीज़ जो होती हैं वो पोंट्स के पास पाई जाती हैं uh, जैसे कि वेलिजन हो गया टाइफ हो गया नेक्स्ट इज एपिजोफाइट्स कटीन एल्गी आर फाउंड ऑन द लिविंग एक्टिक एनिमल्स टर्टल्स मॉलस्कल शेल्स एंड फिशेस ये जो एल्गी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है जैसे कि टर्टल्स टर्टल्स के ऊपर का सरफेस होता है वहाँ पर पाई जाती है मॉलिकल शेल्स में है, होती है फिश के ऊपर होती है स्पीशीज ऑफ क्लाटोफोरा ग्रोन अपॉन मॉलिस इसी जो क्लाटोफोरा की स्पीशीज होती है मॉलिक्स शेल्स पर पाई जाती है प्रोटोडर्मा एंड बेसिक लेडिया अकर ऑन द बैक ऑफ टर्टल ये जो होते हैं टर्टल के ऊपर पाई जाती हैं और क्या कहती है स्क्रिप्टोफाइट दीज एलगी आर फाउंड ऑन आइस एंड स्नो ये जो होती है बर्फ़ पे या फिर स्नोवॉलॉल जो होती है उस पर पाई जाती है जब हो जाती हैं दीज एलगी फॉर्म्स कॉज रेड स्नो ये जो एलगी होती है ये बर्फ़ को रेड स्नो लाल दिखाती है ग्रीन दिखाती है ये येलो येल्लोश ग्रीन और वॉल स्नो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं स्पेशली आर्कटिक रीजन में वहाँ पे ग्रीन स्नो होती है यू, ग्रीन स्नो होती है किसकी वजह से कॉज होती है केलमडोमनास की वजह से जैसे कि ये देखिए रेड स्नो है पाटर मेलन स्नो स्नो एल्गी पिंक स्नो ब्लड स्नो कॉज होती हैं कैलमडोमनाज निवेलिस की वजह से सो नेक्स्ट जो होते ग्रीन स्नो जो कॉज होती है वो क्लोरमिनाज की वजह से so, है, जो जो है, की होती है एंड नेक्स्ट इज़ सिम्बियस और एंडीफाइट्स वेन यर एलगी ग्रो इन सिम्बेटिक एसोसिएशन ऑफ अदर प्लान्ट मोस्ट चिकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोस आर हेयर द एलगी आर फाउंड इन सिम्बेटिक एसोसिएशन ऑफ़ पंजाई ये जो एलगी होती है ये सिम्बेटिक एसोसिएशन से बनी हुई ग्रो होती है और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलेक्न्स जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है लाइकस जो होता है फंजाई से मिलकर बना होता है फंजाई के साथ बनता है वेर, वेरियस माइको माइकोफाइसी एक्स वेरियस माइकोफाइसी एग्जाम्पल कोरोकोकस नॉस्टिक माइक्रोस्टीज ये सब एग्जाम्पल हैं इसके एक, सम ग्रीन एल की जो ओकोमाइक्स माइक्स को क्लोरेला प्रोटोकोकस पेलिमला एक्सेट्रा आल्सो फाउंड सिम्बियस इन लाइक और इस बे बिसाइड सैवरल एर्गी आर एंटोफाइट्स इन द टिशू ऑफ अदर प्लान्टिना एजोला जो होता है वो पाए एजोला की जो लीव्स होती हैं एजोला की लीव्स हैं ये इसमें जो होता है पाया जाता है बीना साइकडाई इज बाउंड इन द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकल्स जो हमने साइकल्स में पढ़ा है साइकल्स के रूट में जो होती है ये एल्की हो जाती है नेक्स्ट इज नो स्टोक हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्राम द टिशू ऑफ एंथर एंड नोटोथाइलस नोस्टो इज फाउंड द लीव्स ऑफ सेफेगनम नोस्टोक जो होती है वो सैफेगम में सैफेगम की पत्तियों में पाई जाती है जैसे कि आप डायग्राम देखिए सैफेगम की लीव्स हैं और इसमें जो होती है नोस्टक पाया जाता है और नेक्स्ट इज़ एंडोफाइट्स ड्री एल्गी साइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स कुछ एल्गी जो होती हैं वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं जैसे कि जू जैनथीलाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो फ्रेश वाटर के स्पॉन्ज होते हैं उनके अंदर जू जैनथीला पाई जाती है जू जैन क्लोरेला इस फाउंड इन साइड द हाइड्रोवाइराइड्स ये हाइड्रोवाइराइड्स में पाई जाती है जीन जू जू, जू क्लोरेला इज़ अ जीनस ऑफ गी ग्रीन एल्गी जू क्लोरेला जो है जीनस है ग्रीन एल्गी नेक्स्ट इज़ पैरासाइट्स पैरासाइट्स में क्या होता है कर्टेन एल्गे आर पैरासाइट्स अपॉन अदर प्लांट ये को दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके हो जाती हैं द मोस्ट चिकिंग एग्जाम्पल इज सेफिलियरस वायरस विच कॉजिज दैवक ऑफ डी फॉलेज इन असाम एंड नेबरिंग एरियाज कॉल्ड रेड रस्ट ऑफ टी ये जो हुआ था असम में हुआ था मोस्ट एक एग्जाम्पल जो है इसका वो सेफ वायरसेंस की वजह से टी जो है हमारी पत्ती जो है हमारी वो खराब हो जाती है और वो र, र, उसे हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी वो रेड रेड, रेड स्पॉट हो जाते हैं उसमें नेक्स्ट इज वो वी ए टाइल एल सच एलगी आर फाउंड इन रैपिडली फ्लोइंग वाटर्स ये कहाँ पे होती हैं जो पानी बहता रहता है जैसे कि झरने होते हैं उसमें हो जाती है उसमें साइड में हो जाती है योथरिक सकर इन माउंटेन बॉल्स और कुछ ये जो होती है ये स्पीशीज़ जो होती है ये पहाड़ों की पे पाई जाती हैं स्टिगियोक्लोनियम आर रिपोर्टेड फ्रॉम द स्विफ्ट रनिंग स्ट्रीम ऑफ देहरादून एंड अदर हिली ट्रैक्स और ये कई हिली ट्रैक्स में पाई जाती हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ये पानी के आसपास पाई जाती है पानी में पाई जाती हैं नेक्स्ट इज थर्मोफाइट्स मैन ये एल्गी आर रिपीटेड फ्राम हॉट स्प्रिंग्स दीज एलगी आर टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू सेवेंटी सेल्सियस और मोर दैन देट ये जो एल्गी होती हैं ये गर्म टेम्परेचर में भी रह सकती हैं हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकती हैं और ये सेवेंटी सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो सह सकती हैं सम ऑसिले समलेटोरियस आई में सर्वाइव अप टू एटी फाइव सेल्सियस ये जो होती हैं एटी फाइव सेल्सियस तक भी रह सकती हैं स्पीशी जिस सपोर्ट दैट फाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी ग्री आर प्रव ब्लू ग्रीन एल्गी ग्री को हम प्रेटिव क्यों बोलते हैं क्योंकि ब्लू ग्रीन एलगी ग्री जो होती है ये बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में रह सकती है और आराम से सर्वाइव कर सकती है सो टॉपिक इज़ कंप्लीट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट ओके बाय